वो आंधी की तरह आए और पलक झपकते ही 10 लाख की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। दिल्ली के भजनपुरा थाने से 200 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलरी शॉप है। सीसीटीवी में दोपहर के 2:20 हो रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में काउंटर के इधर ज्वेलर बैठा है और दूसरी तरफ ये ज्वेलरी देने आया सप्लायर है, नाम है रघुविंदर सिंह। रघुविंदर गाजियाबाद से चांदी की ज्वेलरी की सप्लाई करने भजनपुरा के ज्वेलर के पास आए थे। रघुविंदर दुकानदार को ज्वेलरी दिखा रहे थे कि तभी हाथ में पिस्तौल लहराता नकाबपोश लुटेरा दुकान में घुसता है। जब तक दोनों ज्वेलर कुछ समझ पाते तभी पिस्तौल वाले लुटेरे ने रघुविंदर सिंह का वो बैग छीन लिया जिसमें कहा जा रहा है कि चांदी की करीब 10 किलो ज्वेलरी थी। लुटेरे के हाथ में पिस्तौल थी, वो गोली मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए ज्वेलर रघुविंदर हाथ ऊपर उठाकर जान बचाने की कोशिश करने लगे। और तभी दूसरा लुटेरा बाइक लाया और दोनों बाइक पर बैठकर फरार हो गए। ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो।